दिसंबर महीने की कड़कती ठंड और सुबह का समय, अचानक एक लड़के को गंगा नदी में छलांग लगाते देखकर नाव में बैठे सभी लोग सहम गए। लेकिन फुर्ती से नदी पार करने वाले उस लड़के के चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं। आखिर कौन था वो साहसी बालक? क्यों सुबह सुबह उसने गंगा नदी के ठंडे जल में छलांग लगाई? आगे चलकर उस निडर लड़के के साथ जो हुआ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए सुनते हैं ये सत्य घटना। काशी के हरीशचंद्र हाई स्कूल में एक गरीब लड़का पढ़ता था, जिसका गांव काशी से लगभग 8 मील दूर था। वो रोज अपने गांव से पैदल चलकर जाता। बीच रास्ते में गंगा नदी बहती थी, जिसे पार करके ही वो स्कूल पहुंच पाता था। नदी पार करने के लिए नाव वाले को कुछ पैसे देने पड़ते थे। लड़का गरीब था परंतु बुद्धिमान भी। अपने माँ बाप का अतिरिक्त खर्चा ना बढ़े, इसीलिए उसने उनसे पैसों की मांग नहीं की, बल्कि धीरे धीरे उसने तैरना ही सीख लिया। अब तो चाहे गर्मी हो, बारिश हो या ठंडी का मौसम, गंगा नदी पार करके अपने स्कूल जाना उसका रोज का काम हो गया। ऐसा करते करते न जाने कितने ही महीने गुजर गए। एक बार पौष मास में दिसंबर की कड़कती हुई ठंड में वो लड़का सुबह स्कूल जाने के लिए नदी में और तैरते तैरते नदी के बीचों बीच आ गया। पास ही एक नाव में कुछ यात्री नदी पार कर रहे थे। लड़के को छलांग लगाते देखकर वे सब डर गए। उन्हें लगा ये छोटा सा लड़का अभी डूब मरेगा, क्योंकि एक तो हड्डियों तक थर थराने वाली कड़ाके की ठंड और ऊपर से गंगा नदी का अत्यंत ठंडा पानी। वे तेजी से नाव उसके पास ले गए और लड़के का हाथ पकड़कर उसे नाव में खींच लिया। परंतु उस साहसी लड़के के मुख पर किसी घबराहट, डर या चिंता का कोई निशान नहीं। सब लोग दंग रह गए कि इतना छोटा बालक और इतना साहसी। वे बोले, इसी ठंडी के कारण अगर अभी तो डूब मरता तो ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। तब लड़का बोला, साहस तो होना ही चाहिए। अगर अभी से ही साहस नहीं जुटाया तो जीवन में बड़े बड़े कार्य कैसे कर पाएंगे? लोगों ने पूछा, पर ये बताओ तुम इस समय यहाँ तैरने क्यों आए? लड़का बोला, मैं नदी में नहाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपने स्कूल जाने के लिए इसे पार कर रहा था। तो फिर नाव में बैठकर जाते, ऐसे तैर कर क्यों? रोज आने जाने के कुल 4 पैसे लगते हैं। मेरे गरीब माँ बाप पर मुझे बोझ नहीं बनना है, मुझे तो अपने पैरों पर खड़े होना है। अगर मेरा खर्च बढ़ेगा तो मेरे माँ बाप की चिंता बढ़ेगी और उन्हें घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। लड़के की ऐसी बातें सुनकर वे सभी लोग उसे आदर से बस देखते ही रह गए। बच्चों, जानते हो वो साहसी लड़का कौन था? आगे चलकर वही लड़का भारत का प्रधानमंत्री बना, नाम लाल बहादुर शास्त्री। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में संयम, निर्भयता और दृढ़ आत्मविश्वास हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल नहीं होता।